हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ब्लैक हेड रिमूवर डर्मोस एक्शन जो डिवाइस होती है उसके रिव्यू या फिर प्रॉपर वे कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको 100 परसेंट रिजल्ट मिलेगी इंस्टेंट लाइव वीडियो में आपको दिखाऊंगी बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि इसे यूज़ करने से काम नहीं होता है ब्लैक हेड नहीं रिमूव होती है रेडनेस आ जाती है तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताऊँगी सोल्यूशन भी बताऊँगी एंड हंड्रेड आपको रिजल्ट मिलेगी वो भी मैं इस वीडियो में आपको तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जो प्रोडक्ट मैं आज यूज़ कर रही हूँ पहले वाला प्रोडक्ट नहीं है ये जो पहले वाला प्रोडक्ट मैंने आपसे शेयर किया था उसके भी रिव्यू मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी वो भी आप परचेज कर सकते हैं या फिर ये जो है उससे भी बेहतर है क्योंकि इसमें और भी कई सारी फीचर्स है फंक्शंस हैं इसमें एक्स्ट्रा नॉजल्स है ये क्या करेगी आपकी गाइज एक्ने को रिड्यूस करेगी ब्लैक हेड को रिमूव करेगी फाइन लाइन्स को रिड्यूस करेगी एंड आपकी स्किन की जो सर्फिस है उसे स्मूथ बनाएगी तो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी गाइज इस तरह की टूल्स लीफलेट एज यूजल एंड इसमें आपको यूएसबी बी चार्जिंग डिवाइस भी मिलेगी जिसे आप इजीली पावर को चार्ज कर सकते हैं मैं यहाँ पर आपको पावर बैंक से चार्ज करके दिखा रही हूँ तो आप इसे ईजिली कैरी भी कर सकते हैं ट्रैवलिंग की टाइम इसके नोजल्स की अगर बात करें गाइस इसमें आपको टोटल सिक्स नोज़ल्स मिलेगी डिफरेंट शेप में साइज में आ, तो आप इसे आपकी बॉडी पर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं स्किन के अकॉर्डिंगली प्लेस के अकॉर्डिंगली एंड दिस इज़ द डिवाइस गाइस इसमें और भी एक फ़ीचर है गाइज़ आप आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली इसे यूज़ कर सकते हैं इसमें तीन मोड्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयली नॉर्मल एंड ड्राई तो आप आपकी स्किन टाइप जो भी हो उस हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छी है एंड पहले वाला जो प्रोडक्ट था गाइज़ उसमें सक्शन पावर बहुत ज़्यादा था जिससे रेडनेस बहुत ज़्यादा आती थी पेन भी होती थी बट इसे मैं यूज़ करके दिखाऊंगी गाइज़ इसकी जो सक्शन पावर है काफ़ी कम है एंड उतनी ज़्यादा रेडनेस भी नहीं आती है आपको हंड्रेड परसेंट रिजल्ट भी मिलेगी तो इसे यूज़ करने से पहले आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए उसके बाद आपकी पोर को ओपन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप स्टीम भी ले सकते हैं या फिर हॉट टावल से हॉट जो फेस हैंकी होती है आप उसे यूज करके आपकी स्किन की पोर को ओपन कर लीजिए तो यहाँ पर मैं बस नोज़ पर इसे यूज कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर पोर को ओपन कर लिया उसके बाद अगर आपकी नोज़ पर नोज़ पिन है उसे रिमूव कर लीजिए उसके बाद क्योंकि अभी समर है स्किन ऑयली रहती है मेरी तो मैं ऑयली मोड पर इसे यूज कर रही हूँ तो गाइस यहाँ पर आप देखिए आपकी जहाँ पर भी ब्लैक हेड या फिर वाइट हेड या फिर एक्स्ट्रा ऑयल आप निकालना चाहते हो आपको इस तरह से ड्रैग करते हुए इसे यूज़ करना है कभी भी एक जगह पर आपको इसे स्टे नहीं करना है आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए ड्रैग करते रहिए इस तरह से किसी भी प्लेस पर दो सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं रुकना है तो आपकी जहाँ पर भी ब्लैक हेड है या फिर वाइट हेड है आ, स्किन के अंदर पोर्स बहुत ज़्यादा है या फिर डर्ट्स है ऑयल है ज़्यादा आप इस तरह से जस्ट आपकी स्किन पर ड्रैग कीजिए एंड कुछ ही मिनट्स में आप देखेंगे गाइस मान लीजिए एक या दो मिनट के अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिलेगी जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने बस इसे नोज़ पर यूज़ किया है एंड यहाँ पर आप देखिए मैं रेगुलर स्किन केयर करती हूँ मेरी स्किन पर ब्लैक हेड नहीं है बट यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सेस ऑयल एंड वाइट हेड यहाँ पर जमा हुई है आप देखिए जिसके मैंने आपको बताया कि आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी एंड ये है रिजल्ट गाइज़ तो अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड है या फिर वाइट हेड है पोड में काफ़ी सारी डर्ट्स है तो ये हंड्रेड परसेंट वॉक करेगी आपको इस तरह से इसे यूज़ करना है तो इसके बाद कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है गाइस ऑब्वियसली आपकी स्किन पर इस तरह से रेडनेस आ जाएगी ये नॉर्मल है उसके लिए आप बस एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए एंड स्किन पर इस तरह से रब कीजिए इससे क्या होगा जो भी पोर्स है वो ओपन हो जाएगी स्किन की रेडनेस भी कम हो जाएगी एंड आपकी स्किन पर एक सूदिंग इफेक्ट भी आएगी इसके बाद स्किन को टावर से पहुंच लीजिए एंड कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए दैट्स इट आप इस तरह से इस प्रोडक्ट को हफ्ते में एक बार या फिर महीने में दो बार यूज कर सकते हैं गाइज इससे आपकी स्किन पर ब्लैक हेड या फिर व्हाइट हेड की प्रॉब्लम नहीं आएगी पोर की प्रॉब्लम भी चली जाएगी आपकी स्किन की सर्फिस काफी स्मूद होगी स्किन काफी ग्लोइंग भी होगी एंड यहां पर इसके नोजल को चेंज करना भी काफ़ी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूं, ये देखिए इस तरह से आपको रोटेट करते हुए इसे इसे ओपन करना है है एंड दूसरी नोजल इस तरह से से अटैच कर लेना दैट्स इट यूज़ करने से पहले आपको छह घंटे चार्ज करना होता है उसके बाद जब भी आपको जरूरत है आप इसे चार्ज कर सकते हैं एक बार चार्ज करने के बाद इसे आप पांच से छह बार यूज कर सकते हैं काफी काम की चीज है, है अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे बाई करने में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाए एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से और वैसे वीडियोज के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर टेलन टेक के बाय